आजादी के यज्ञ में प्राण किए आहुति धन्य हुई वह कोखरी जो जने ऐसे वीर सपूत भगत सिंह आजाद हो सुभाष बोस की आंस की अमित अभेद्य अभिचल रहे मेरा देश महान हे भारत माता के मजबूत भविष्य, आप मुझे नहीं जानते होंगे, मेरे बारे में आपके पाठ्य पुस्तकों में भी बहुत ज्यादा नहीं बताया गया होगा। बेशक आपके पाठ्य पुस्तकों में मेरे बारे में ज्यादा ना बताया गया हो, पर मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूं, जिसे जानने के बाद शायद आप मेरा कद सारे स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे ऊपर कर दोगे। और जब भी भारत के वीर सपूतों की बात होगी तो आप उसमें मेरा नाम सबसे ऊपर लिखोगे। आज के वीडियो में मैं अपने बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूं, जिसे जानने के बाद आप अचंभित हो जाएंगे। आज के वीडियो देखने के बाद ये भी आपको पता चलने वाला है कि राजनीति के दलालों ने अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कैसे देश के स्वाभिमान को दांव पर लगा दिया। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आप ही सही और गलत का आकलन कीजिए। मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है। हाँ, वही सुभाष चंद्र बोस जो अंग्रेजों से अपना अधिकार छीनने की पूरी ताकत रखता था। मेरा जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। मेरे पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, जो कि शहर के एक मशहूर वकील थे, और अंग्रेजों द्वारा मेरे पिता को राय बहादुर की खिताब भी दिया गया था। कुल मिलाकर हम 14 भाई बहन थे, जिसमें मैं 9वें संतान के रूप में जन्म लिया था। जहां तक मेरी शिक्षा की बात है तो मेरी शिक्षा एक बहुत अच्छे स्कूल में हुई थी, और मात्र 15 साल की उम्र में ही विवेकानंद के साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। बचपन से ही मेरी रुचि सेना में अफसर बनने की थी, पर आँख खराब होने के कारण मेरा ये सपना पूरा नहीं हुआ। मेरे अंदर लीडरशिप की गजब की क्षमता थी और मैं पढ़ाई के समय भी छात्र नेता के रूप में कार्य करता रहा। मेरा चुनाव एक बहुत ही प्रतिष्ठित नौकरी ICS में हो गया था, लेकिन मेरी अंतरात्मा कभी भी मुझे अंग्रेजों का गुलामी करने नहीं दिया। मुझे अपने जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, पर भारत की गुलामी मुझे हमेशा कांटों की तरह चुभती रही। इसलिए मैं कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चितरंजन दास के साथ काम करने की इच्छा प्रकट की। मेरी गांधी के साथ पहली मुलाकात 20 जुलाई 1921 को हुई थी, और उन्होंने भी मुझे चितरंजन दास के साथ काम करने की सलाह दी। अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का बिगुल मैं कलकत्ता में अंग्रेजों के नाम पर बने रास्तों का नाम भारतीय नामों पर करना शुरू कर चुका था। इसके साथ साथ जो लोग आजादी के लिए अपने प्राण को न्यौछावर करते थे, वैसे लोगों के परिवारों को महापालिका में नौकरी देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ बने गुटों का मैं महत्वपूर्ण चेहरा बन गया, और मेरा काम दिन प्रतिदिन अंग्रेजों के शासन में कील ठोकना शुरू कर दिया। मुझे अपने सार्वजनिक जीवन में कुल 11 बार कारावास हुआ। यहां तक कि अंग्रेजों के द्वारा अन्य कारणों से बहाना बनाकर मुझे बर्मा के जेलों में, जिसे आज के समय में म्यांमार नाम से जाना जाता है, बंदी बना दिया गया। जेल के अंदर अंग्रेजी हुकूमत मुझे रिहा करना नहीं चाहती थी, पर एक समय ऐसा लगने लगा कि मेरी मृत्यु बीमारी की वजह से ना हो जाए, जिससे अंग्रेज खतरा महसूस ना कर सके, और इसलिए मजबूरी में मुझे रिहा कर दिया गया।
सन 1933 से 1936 तक मैं यूरोप में रहा, पर वहां भी मैं लगातार भारत माता के लिए काम करता रहा। इसी बीच मेरी मुलाकात इटली के मुसोलिनी तथा जर्मनी के हिटलर से हुई। मेरी यह मुलाकात भारत की दशा और दिशा दोनों को तय करने वाली थी, क्योंकि इन दोनों देशों का दुश्मन ब्रिटेन था और भारत का दुश्मन भी ब्रिटेन ही था। सो मेरे मन में यह विचार आया कि दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। दुनिया मुझे नेताजी के नाम से पुकारती थी और मेरा सोचना था कि भारत को अगर आजादी पानी है तो आजादी छीननी पड़ेगी, और इसके लिए राजनीति कूटनीति के साथ साथ सैन्य सहयोग की भी जरूरत पड़ेगी। मैं यूरोप में इटली जर्मनी होता हुआ सीधा जापान गया और फिर इसके बाद सिंगापुर। उसके बाद मैं आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। मैं सशक्त क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की तथा आजाद हिंद फौज का गठन किया। इस तरह अपने भारत के स्वतंत्र झंडे के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचा। यहीं पर मैंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मुझे खून दो, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आजादी दूंगा, आजादी दूंगा। मेरे इस नारे मात्र से ही अंग्रेजों की नींदें गायब हो चुकी थी, पर तभी तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। 18 अगस्त 1945 को जापान जाते समय मेरा विमान क्षतिग्रस्त हो गया। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना कहना चाहूंगा कि मैं उस समय भारत की गंदी राजनीति का शिकार हुआ। मेरा जीवन तो भारत माता के सेवा के लिए ही था और मैं जीवन भर सेवा करता रहा। मैं धनी तथा कुलीन परिवार में जन्म लिया था, जिससे मैं अपनी जिंदगी बड़े आराम से गुजार सकता था, पर मेरे अंदर के देश प्रेम की भावना मुझे गुलाम बनकर नहीं जीने दे रही थी। पर यह तो तय था कि भारत माँ अपने एक सच्चे सपूत को जरूर खो चुकी थी, जिसे सत्ता के दलालों ने गुमनाम कर दिया। अब मैं अपना परिचय यहीं खत्म करना चाहता हूं। अब मेरी उम्र भी हो चुकी है और मैं अब ज्यादा नहीं बोल सकता। बस आप देशभक्तों से उम्मीद जरूर करता हूं, जिस सम्मान के मैं काबिल हूं वह सम्मान मुझे जरूर दिया जाए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।